तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम चले हैं सतरंगा करते हुए। ये पलड़ा घाट से अभी ऊपर जाने वाले हैं। इससे पहले हम चाय नाश्ता करने के लिए थोड़ा रुके हुए हैं। अब फिर हम कोरबा पहुँचे पलड़ा घाट से और कॉफ़ी हाउस गए। कॉफ़ी हाउस में देखिए सब लोग कैसे खड़े हैं। उसके बाद हम सब लोग अंदर गए और बच्चे आइसक्रीम की तलाश में बोलने लगे। और फिर डोसा, उत्पम, इडली ये सब मंगाएगा। बाप रे, इतना बड़ा डोसा! हमारा तो खा के ही पेट भर गया, देख के ही पेट भर गया। उसके बाद हम सब निकले और सतरंगा की ओर चल पड़े। रास्ते में जंगल का नज़ारा, वाह क्या देखने लायक था, इतना सुंदर जंगल। यहाँ से 5 किलोमीटर सतरंगा और 22 किलोमीटर देवपहाड़ी थी, ये बोर्ड हमें दिखाई दे रहा था। फिर हम सतरंगा की ओर चल पड़े। जैसे ही हम उतरे, बड़ा सा हमको एक गेट दिखाई दिया। भाई बोल रहे हैं इधर से जाना है। ये देखिए ये गेट है, यहाँ पर टिकट लेना था हमको। यहाँ से हमने टिकट काउंटर पर गए और टिकट लिया। उसके बाद हम लोग वोटिंग के लिए सोचने लगे कि टिकट कहाँ से मिलेगा। फिर हम नदी किनारे गए। वाह क्या समुद्र का मेकअप कर दो, तो इतना सुंदर। मेकअप करो, बच्चे यहाँ मेकअप करके तैयार हो मेकअप रहे हैं। करो काव्या, कराना है बुआ। हाँ, जल्दी जल्दी मेकअप। काव्या पारा सर को देखिए चप्पू चलाते हुए, पता नहीं कहाँ जाएंगे। ये समुद्र की लहरें जैसा आ रहा है पानी, कितना अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल नजारा है। यहाँ रंग बिरंगे कलरफुल है। ये कॉटेज देखिए कितना सुंदर है, लग रहा है यहीं रह जाए। फिर हमने सोचा चलो कॉटेज में रह नहीं सकते, कम से कम फोटो शूट कर लिया जाए, यहाँ थोड़ी मस्ती कर लिया जाए। मैं अकेले ही खड़ी थी तभी दौड़ के मेरे साथ में कौन आ गया, देखो ये कविता मैम बोली है पड़ोस वाला घर मेरा है, वो तुम्हारा है। हम यूँ ही लड़ते रहे। उसके बाद फिर ये देखिए पार्क कितना सुंदर है, यहाँ पे बहुत लोग खड़े थे। फिर हम लोग बोट पे चढ़े। बोट पे चढ़ने के बाद में ओ माय गॉड, इतना एडवेंचर, हम सब चीख पड़े, जोर जोर से चिल्लाने लगे, इतना मज़ा आ रहा था। पानी हमारे फेस पे पड़ रहा था, सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे, इतनी मस्ती, वाओ मज़ा ही आ गया। बोट से उतरे फिर हम सब लोग। उसके बाद हम थोड़ा फोटो वोटो खिंचा रहे थे, लेकिन यहाँ से जाने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। मन कर रहा था और वोटिंग करें, लेकिन यहाँ के झूले, वाह यहाँ आए तो झूले भी हैं, झूलों का मजा लेने का हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। हम गेट की ओर मुंह बना के निकल पड़े। यहाँ बाबा जी जाते थे। उसके बाद हम लोग पोस्ट देते हुए यहाँ पर कुछ खाने की दुकानें थी, हम कॉफ़ी लेने गए और मैगी बनवाने लगे। देखिए यहाँ पर कितनी सारी दुकानें हैं, अगर आप कभी आओ तो यहाँ से आप के खा सकते हैं। उसके बाद हम चल पड़े देवपहाड़ी की ओर। तो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर था, अंधेरा हो चुका था, लेकिन फिर भी दिल में ख्वाहिश थी कि हम शायद देख लें। ये रहा उसका द्वार देवपहाड़ी का। हम धीरे धीरे करके नीचे उतरे, सर और मैम के साथ में नीचे की ओर हम गए। और यहाँ पे देखा तो बहुत सुंदर नदी का नजारा था, लेकिन अंधेरे होने की वजह से हम सारे कर पाए। कविता मैम, उसके बाद हम वापस आए और पांच चूल्हा के रात के 9 बजे और यहाँ पे हम डिनर किए। डिनर में था निकल पड़े घर की ओर। ये रहा हमारा कुछ यादगार फोटो शूट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से मिल सके। मिलते हैं फिर एक नए एडवेंचर के साथ, कुछ नई नई यादों के साथ। हो सकता है ये यादें कल ही बन जाए या फिर टाइम लगे, वैसे